टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो नैक से मूल्यांकन करवाना चाहते हैं उनके लिए मैनुअल लॉन्च हो चुका है। डाउनलोड यहां से करना है, नैक की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई ऑनलाइन का बटन क्लिक कीजिए। यहां पर आप जब नीचे की तरफ जाएंगे तो सभी तरह के मैनुअल्स यहां पर हैं। यहां पर है देखिए, इंस्टीट्यूशनल एक्रेडिटेशन मैनुअल फॉर टीचर एजुकेशन अपडेटेड ऑन 4th March 2020। दो फॉर्मेट में ये मैनुअल है, PDF और डॉक फॉइल में। डाटा टेम्पलेट फॉर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, साथ में आपको ये डाउनलोड करना है। और एक एक्सटेंडेड प्रोफाइल टेम्पलेट फॉर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये डाउनलोड करना है। और SOP फॉर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये डाउनलोड करना है। कुछ टिप्स आज मैं आपको दूंगा टीचर एजुकेशन के मूल्यांकन करवाने के लिए, क्या 7 क्राइटेरियंस के अंदर आप लोगों को उसमें SSR में फिल करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अजय अग्रवाल और मैं आपको कुछ बेहतरीन टिप्स देना चाहता हूं। ये है हमारे बनाई स्लाइड जिसमें आपको बताऊंगा कि टीचर एजुकेशन में किस तरह से आप भरेंगे और किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ये देखिए, ये है हमारा क्राइटेरियन वाइज आइडियाज़। क्राइटेरियन 1, क्यूरिकुलर एक्सपेक्ट्स, ये मैनुअल टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए है। BEd, MEd और कोई भी जो टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम है, BA, BSc, BEd या BPEd, MPEd, BEd, MEd इंटीग्रेटेड, जितने भी प्रोग्राम कॉलेज रन कर रहा है सबके लिए एक ये मैनुअल रन लागू होगा। 1.1 में क्यूरिकुलर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे विजुअलाइज करना है एक्टिविटीज रिलेटेड टू क्यूरिकुलम और टू फोकस प्रोग्राम लर्निंग आउटकम एंड कोर्स लर्निंग आउटकम्स। इंस्टीट्यूशनल क्यूरिकुलम प्लानिंग, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि एफिलेटेड कॉलेजेस का सिलेबस तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करके देती है, मगर क्यूरिकुलम प्लानिंग कि आप उस को डिलीवर कैसे करना है, ये कॉलेज की प्लानिंग है। और कॉलेज किस तरह से प्लान करती है, यहाँ पर हमें क्राइटेरियन 1.1 के अंदर हमें ये चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है और इसी के डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। 1.2, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्यूरिकुलम एनरिचमेंट, फ्रीडम इन द यूज ऑफ द टाइम फ्रेम ऑफ द कोर्सेज, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, इंटरडिसिप्लिनरी ऑप्शंस एंड अदर फैसिलिटीज बाय क्यूरिकुलम ट्रांजेक्शंस, सप्लीमेंट्री एनरिचमेंट प्रोग्राम्स जैसे इंट्रोड्यूस किए, क्रेडिट सिस्टम एंड चॉइस ऑफर्ड इन द क्यूरिकुलम, क्यूरिकुलर ट्रांजेक्शंस एंड टाइम फ्रेम ऑप्शंस। ये है हमारा क्राइटेरियन 1 में जो हमें चीज़ें जिनके ऊपर ध्यान रखते हुए अपनी वेटेज को हाई करते हुए यहाँ पर क्राइटेरियन 1 के अंदर डालना है। ये 1.3 क्राइटेरियन 1 का होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में जो स्टूडेंट्स की है वो बात करनी है यहाँ पे। Provisions for added courses and activities, sensitizing students to cross-cutting issues relevant to concern both nationality and international such as gender, environment and sustainable human values and professional ethics, development of creative and divergent competences। यहाँ पर करना क्या है कि cross-cutting issues हमने students को कैसे, जो कि जेंडर, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन वैल्यूज़ और प्रोफेशनल इथिक्स से रिलेटेड हों, डेवलपमेंट, क्या हमने उनकी कोई क्लासेस ली, कोई सेमिनार कराया, कोई वर्कशॉप कराई, किस तरह से हमने कोई स्पेशल गेस्ट लेक्चर कराया, या कि इन इश्यूज़ को बच्चों को ये सिखाने के लिए, इस चीज़ से अवगत कराने के लिए हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं। फीडबैक प्रोसेस कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स, टीचर्स, एम्प्लॉयर्स, एलुमनी एंड हेड ऑफ द प्रैक्टिस टीचिंग स्कूल्स, ये फीडबैक के बारे में पूछा गया है वहाँ पर। क्राइटेरियन 2, टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्युएशन, स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल, एनरोलमेंट इज ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे हमें ये जरूर बताना है कि एनरोलमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंट है, या तो कोई एंट्रेंस टेस्ट हुआ, या कोई मेरिट लिस्ट बताई गई, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट्स दी गई, उसके बाद सेलेक्शन करके बच्चों का एडमिशन किया गया, वेल एडमिनिस्टर्ड था सब कुछ विद नॉर्म्स ऑफ रेगुलेटरी एजेंसीज, जैसे मान लीजिए आपकी सरकार ने जो कहा उसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपने एडमिशन किए, या आपकी एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी ने जो आपको कहा उसके अकॉर्डिंग किए, या स्टेट गवर्नमेंट ने आपको कोई डायरेक्शन दी तो स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनका जो है
यहाँ पे बस क्या एनरोलमेंट ट्रांसपेरेंट था, वेल एडमिनिस्टर्ड था या नहीं था, और विद नॉर्म्स ऑफ रेगुलेटरी एजेंसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग था या नहीं था. इक्विटी ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी, ऑनरिंग स्टूडेंट डाइवर्सिटी, जेंडर इक्विटी एंड एडमिशन अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स. यहाँ पर पूछा गया है कि डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स के लिए जेंडर इक्विटी और एडमिशन अपॉर्चुनिटी दी गई कि नहीं दी गई. टीचर लर्निंग प्रोसेस, पार्टिसिपेटिव लर्निंग, एक्सपेरियंशियल लर्निंग एंड कोलाबरेटिव लर्निंग, मोड्स टू फैसिलिटेट एफेक्टिव लर्निंग. यहाँ पर बताना है कि हमने इन तीनों लर्निंग्स के लिए क्या क्या मोड अडॉप्ट किए जिससे हम ये तीन लर्निंग स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से दे पाए. टीचर्स फेमिलैरिटी विद लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स अदर ई रिसोर्सेज, कि टीचर्स ये कॉलेज में काम करने वाले हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट काम करने वाले टीचर्स LMS से अवगत थे या नहीं थे, उन्होंने अपनी क्लासेस LMS का यूज़ करते हुए ली या नहीं ली, और ई रिसोर्सेज का यूज़ किया या नहीं किया, ये यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है और यहाँ पर हमें लिखना है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देने हैं. क्राइटेरियन टू, टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्युएशन का 2.4, कॉम्पिटेंसी एंड स्किल डेवलपमेंट, टीचर्स एबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग नीड्स, कैपेबिलिटीज, इंक्लिनेशंस एंड इंटरेस्ट. यहाँ पर देखिए, अभी तक तो हम बात करते आ रहे थे स्टूडेंट्स की एबिलिटी की, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि टीचर्स की एबिलिटी कुछ है कि नहीं है, हमें ये भी देखना है. अडॉप्शन ऑफ ICT इन एजुकेशन, कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पढ़ाते वक्त टीचर्स ने कितना यूज़ किया है, ये नहीं कि हम सिर्फ वही पुराने तरह के लेक्चर्स ही देते आ रहे हैं आज तक, हमने ICT के साथ कितना यूज़ करते हुए बच्चों को एजुकेशन दी है. टीचर प्रोफाइल एंड क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, करेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड टीचिंग एबिलिटीज़ टू लर्न एंड कीप एब्रेस्ट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स. टीचर्स ट्रेनिंग्स, कोई वर्कशॉप, रिफ्रेशर कोर्सेज, सेमिनार्स, वर्कशॉप जो यूनिवर्सिटीज़ में और अदर इंस्टीट्यूशंस में जहाँ बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन आ रहे हों वहाँ पर जाके फैकल्टी ने अपने आप को इम्प्रूव किया है कि नहीं किया है. इवेल्युएशन प्रोसेस कैसा है कॉलेज का, इंटरनल असेसमेंट मैकेनिज्म क्या है फॉर इंश्योरिंग एंड गाइडिंग स्टूडेंट लर्निंग. PLOs depend on how well the internal assessment system actually tests the PLOs and CLOs. Quality of assessment, extent of transparency, extent of development, regulatory mechanism. 2.7, students' performance and learning outcome, extent of student awareness about the PLOs and their actual performance of students, effectiveness seen in which graduates are able to internalize the knowledge, competencies, as well as the attitude required for the profession. यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे जो PLOs हैं और आना प्रोग्राम लर्निंग आउटकम आनी चाहिए, क्या वो हमने ले ली है, मिली हमें, इफेक्टिवनेस है, कुछ फ़र्क है डिग्री करने के बाद बच्चों के अंदर, क्या उन्हें जॉब्स मिल रही हैं, क्या वो अच्छी तरह से प्लेस हो रहे हैं. स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, ये SSS है जिसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाई गई है, वो भी आप देख सकते हैं कि SSS क्या है और उसको कैसे परफॉर्म करा जा सकता है. ये क्राइटेरियन थर्ड, इसको हम अगली वीडियो में लेंगे. क्राइटेरियन टू यहाँ तक के लिए. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंपनी से किसी भी कंसल्टेंट की हेल्प चाहिए कि आपके कॉलेज में आके वो आपको ये एक्सप्लेन करे कि आप किस तरह से किस क्राइटेरियन में अच्छी वेटेज ले सकते हैं और वो आपको वहाँ पर बताए कि आप अपने कॉलेज में ये काम और करवा लें तो आपकी अच्छी वेटेज आएगी और आप अपने क्राइटेरियंस को इस तरह से वेटेज वाइज अच्छा बना सकते हैं, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें और हम आपको बताएंगे कि हमारे कंसल्टेंट आपकी कैसे मदद भी कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं हमारी और वीडियोज़ देखना, तो हमें आपको बता दूँ कि हमारी ये इतनी सारी वीडियोज़ यहाँ पर हमने लगाई हैं. ये देखिए, ये हमने वीडियोज़ बना रखी हैं, आप देख सकते हैं हर टॉपिक के ऊपर एक अलग अलग वीडियोस है. और साथ में अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अगर हमारी सर्विसेज चाहिए तो अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कमेंट में लिख दीजिए, हम आपको कॉल बैक भी कर लेंगे. धन्यवाद.